जुलाना के नए बस स्टैंड पर बुजुर्ग व्यक्ति की जेब से 49,500 रुपए निकाल लिए गए। बुजुर्ग व्यक्ति रोहतक से अपनी बेटी के पीलिए के लिए सामान की खरीदारी करने परिवार के साथ जा रहा था। जब वो बस में चढ़ने लगा तो एक युवक ने उसकी जेब से पैसे निकाल लिए। उसका दूसरा साथी उसके साथ खड़ा रहा। बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि वो देशखेड़ा गांव का रहने वाला है और अपनी बेटी के पीलिए के लिए सामान लेने रोहतक जा रहा था। जब वो जुलाना बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रहा था तो बस आते ही वो बस में चढ़ने लगा। उसी समय एक युवक ने उसकी जेब से उसके पैसे निकाल लिए। जब वो बस के अंदर सवार हुआ तो उसे अपने पैसे निकलने का एहसास हुआ, जिसके चलते उसने तुरंत चालक को गाड़ी रोकने को कहा, लेकिन तब तक वो युवक मौके से फरार हो चुके थे। सीसीटीवी कैमरे में एक युवक के बुजुर्ग की जेब से पैसे निकालते हुए साफ दिखाई दे रहा है। जी, ये एक सूचना प्राप्त हुई थी, एक गुलाब सुनोप लीलू राम जो देशखेड़ा का रहने वाला है, ये जुलाना बस स्टैंड से रोहतक के लिए जाने के लिए बस में चढ़ा था। उसी दौरान इसकी जेब में जो पैसे थे करीब 49,500 रुपए, वो चोरी कर लिए हैं, जिस संबंध में दरखास्त हमारे को प्राप्त हुई है। इसमें मुकदमा दर्ज करके आगे कार्रवाई की जा रही है।